को सिर्फ ये बनती है 2/3 राइट वेंट्रिकल से और 1/3 लेफ्ट वेंट्रिकल से, सही है। एक होती है बेस और सी एस एफ एस, ये बनती है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से पूरी, और होती है इन्फीरियर या डायफ्रामेटिक सरफेस, ये बनती है 2/3 राइट वेंट्रिकल से और 2/3 लेफ्ट वेंट्रिकल से और 1/3 राइट वेंट्रिकल से, सही है। इसके बाद इसके चार बॉर्डर्स हैं, एक अपर बॉर्डर है जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बनाते हैं, लेकिन ऊपर से आर्टरीज की वजह से ये कंसील हो जाते हैं। फिर राइट बॉर्डर है जो राइट एट्रियम बनाता है, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट एट्रियम बनाता है, और इंफीरियर बॉर्डर बनाते हैं राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। उसके बाद आर्टरीज करते हैं, ये सुपीरियर मैंने कहा राइट ब्रैकिस्फैलिक वेन, लेफ्ट ब्रैकिस्फैलिक वेन, असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। ये ब्रैकिस्फैलिक आर्टरी है, ब्रैकिस्फैलिक ट्रंक है, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, फिर लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, सही है। ये पल्मोनरी ट्रंक है, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये पीछे राइट पल्मोनरी आर्टरी, बीच में लिगामेंटम आर्टेरियोसम है जो रेमिनेंट है डक्टस आर्टेरियोसस का, सही है। उसके बाद पहले सरफेस वाली कराने दो ना, इंटरनल सीट पढ़ाओगे पहले, आर्टरी पढ़ाओगे। हाँ, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल आगे बड़ा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की सेम एपिक्स होती है। उसके बाद राइट एट्रियम के अंदर है पेक्टिनेट मसल्स और एक साइनस मिलेरम स्मूथ पैड, इन दोनों के बीच में होता है फिशर टर्मिनलिस, बाहर से देखे तो सर्कस टर्मिनलिस। वीडियो किसकी बना रहे हो? तुम्हारा हाथ उधर चला गया अभी, सर्कस टर्मिनलिस। उसके बाद अब राइट एट्रियम में 5 ओपनिंग्स होती है, 4 फंक्शनल होती है और एक खत्म हो जाती है। ऊपर से सुपीरियर वेन कैवा, नीचे इंफीरियर वेन कैवा, इसके साथ कोरोनरी साइनस की ओपनिंग और एक वेंट्रिकल ऑरिफिस, या इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक होता है यहाँ पे फोसा वगैरह, सही। लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग्स है, 4 पल्मोनरी वेन्स की और एक बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद ये जो है पल्मोनरी ट्रंक का एंड फंडिबुलम होता है, जहाँ से पल्मोनरी ट्रंक राइज होता है राइट राइट वेंट्रिकल से, वो बात बताऊँ। उसके बाद राइट वेंट्रिकल है।